अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डमी टिकट के बारे में कि डमी टिकट क्या होता है, डमी टिकट और ओरिजिनल टिकट में क्या अंतर होता है इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 3, कौन कौन से ऐसे वीजा कैटेगरी के लोग हैं अगर वो कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो उनको साथ में रिटर्न टिकट लेना कंपलसरी होता है, अगर वो रिटर्न टिकट नहीं लेते हैं तो इस कंडीशन में डमी टिकट वो ले सकते हैं। नंबर 4, आप कैसे ऑनलाइन चेक कर पाएंगे कि अगर आपने कहीं से डमी टिकट लिया है तो वो ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो आपको डमी टिकट वैसे फेक इशू करके दे देते हैं, लेकिन जब आप वेबसाइट पर जाकर के अपनी डिटेल डालेंगे तो वो आपका रिटर्न टिकट, जिसे हम डमी टिकट बोलते हैं, हालांकि वो डमी टिकट नहीं होता है, एक्चुअल में रिटर्न टिकट ही होता है, वो आपकी डिटेल वहां पे शो नहीं करती है। तो आपके लिए थोड़ा खतरा बन सकता है कि अगर आपका एयरपोर्ट पर जो आपका डमी टिकट है, जिसे हम रिटर्न टिकट ही ओरिजिनल में कहते हैं, अगर वहां उन्होंने पीएनआर नंबर डाल के चेक किया, अगर आपकी डिटेल शो नहीं होगी तो आपको बोर्डिंग पास देने से मना कर सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप कहीं से भी रिटर्न टिकट की जगह पे डमी टिकट परचेस करते हैं सस्ते रेट में तो इसके लिए आप सावधान रहिएगा। एक दफा आप जरूर ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा कि यह फेक है या ओरिजिनल है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है डमी टिकट के हवाले से। और 5वीं चीज, डमी टिकट आप कैसे सस्ते रेट में हासिल कर सकते हैं, वो भी ओरिजिनल, और आप ऑनलाइन चेक भी कर पाएंगे, इसके बारे में भी बताऊंगा कि आप लोग कहां से ये टिकट हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि डमी टिकट होता क्या है। मेरे भाई, डमी टिकट ये ओरिजिनल टिकट ही होता है, इसका ओरिजिनल पीएनआर होता है, इसको जब आप ऑनलाइन चेक करेंगे वैसे ही अगर आपको कोई ना बताए कि ये डमी टिकट है तो आप जान नहीं पाएंगे कि ये ओरिजिनल टिकट है या डमी टिकट है। फर्क इतना होता है डमी टिकट में कि ये इशू कर दिया जाता है ओरिजिनल पीएनआर से, बट जब आपकी फ्लाइट उड़ जाती है, आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है, एयरपोर्ट का पूरा जो आपका प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उस टिकट को एजेंट लोग कैंसिल कर देते हैं, बस इतना सा फर्क है बस। यानी उस टिकट को आपकी फ्लाइट उड़ने के बाद कैंसिल कर दिया जाता है, इसलिए उसका दूसरा नाम दे दिया गया है कि ये डमी टिकट है। बाकी ओरिजिनल टिकट और डमी टिकट में कोई फर्क नहीं है, बस शर्त यही है कि आप जहां से भी टिकट लें डमी टिकट, आप उसको ऑनलाइन जरूर चेक कर लिया करें ताकि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन से लोगों को डमी टिकट लेना कंपलसरी हो जाता है अगर वो रिटर्न टिकट नहीं लेते हैं तो मेरे भाई, अगर आप कहीं भी वर्क वीजा पर काम करने के लिए जाते हैं तो इसमें आपको रिटर्न टिकट या डमी टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका जो सिंगल टिकट है वही काफी है। इसके अलावा अगर कोई भी विजिट वीजा टाइप का अगर आपका वीजा है, सिंगल एंट्री का या मल्टीपल एंट्री का, जैसे फैमिली विजिट वीजा हुआ, पर्सनल विजिट वीजा हुआ, बिजनेस विजिट वीजा हुआ, टूरिस्ट विजिट वीजा हुआ, उमरा वीजा हुआ, हज वीजा हुआ, इस तरीके के जितने भी विजिट वीजे हैं, अगर आप इन वीजों पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके साथ एयरलाइन के रूल के हिसाब से रिटर्न टिकट होना कंपलसरी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको रिटर्न टिकट उस वक्त नहीं लेना होता है, उनकी ट्रैवल प्लानिंग रिटर्न की नहीं होती है, तो उसकी जगह पे आप डमी टिकट ले सकते हैं। डमी टिकट ओरिजिनल टिकट ही होता है, उसका ओरिजिनल पीएनआर होता है, उसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो बस ये है कि उस टिकट को कैंसिल कर दिया जाता है जब आपकी एयरलाइन उड़ जाती है तब, तो इसलिए वो टिकट थोड़े सस्ते में मिल जाता है, तकरीबन 700-800 रुपए के बीच में पड़ता है। तो इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को लाइव मोबाइल स्क्रीन पर लेकर के चलता हूं और वहां पर दिखाता हूं कि कैसे आप डमी टिकट को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। डमी टिकट आप लोग ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये मैंने आज का एक बंदे का फ्लाइट था उसके लिए मैंने डमी टिकट बुक किया था, तो इसी ही पीडीएफ को मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे यहां पर डिटेल चेक कर सकते हैं और यहां से डिटेल लेकर के आप वेबसाइट पर, एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर के कैसे आप लोग ऑनलाइन चेक कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर जूम कर लेता हूं और दिखा देता हूं कि ये 29 जुलाई 2023 को ये टिकट बुक किया गया है और जो टिकट बुक किया गया है उसकी डेट है
सैटरडे 16 सितंबर 2023, यानी रिटर्न टिकट 16 सितंबर 2023 की रिटर्न टिकट है और ये दम्माम से डिपार्चर होगी, मस्कत पहुंचेगी, उसके बाद में फिर मस्कत से डिपार्चर होगी और हैदराबाद पहुंचेगी। और पैसेंजर की डिटेल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर कॉर्नर पर जहाँ पे बुकिंग रेफरेंस है उसके नीचे पैसेंजर की डिटेल है, यहाँ पैसेंजर की डिटेल शो होती है, उसके बाद में बुकिंग रेफरेंस नंबर जो पीएनआर नंबर होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लाइट बुकिंग रेफरेंस पीएनआर नंबर, ये पीएनआर नंबर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पीएनआर नंबर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो टिकट है ये ओमान एयर है, आप देख सकते हैं W96 ओमान एयर, तो ये ओमान एयर है। तो हम लोग चलेंगे ओमान एयर की वेबसाइट पर और वहां पर जाकर के पूरे पैसेंजर की डिटेल और पीएनआर नंबर डाल करके देखेंगे कि ये टिकट ओरिजिनल है या फेक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं ओमान एयर की वेबसाइट पर। मैंने अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लिया और जस्ट मैं यहां पर टाइप करता हूं ओमान एयर, मैंने यहां पर ओमान एयर टाइप किया है गूगल में और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुल करके आ गई है। तो यहां पर मैं पहले ही वेबसाइट पर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद में आप देख सकते हैं इस तरीके का ये इसका डिस्प्ले आएगा। तो यहाँ पर आप कॉर्नर पे चले जाएं जो 3 डॉट है, इसके बाद में ये मैनेज बुकिंग, मैनेज बुकिंग पर जब आप जाएंगे उसके बाद में व्यू बुकिंग, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नया डिस्प्ले ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर योर बुकिंग डिटेल, पहले खाने में आपको पीएनआर नंबर डालना है, दूसरे खाने में आपको पैसेंजर का लास्ट नेम डालना है, जैसे अगर किसी का नाम सुल्तान अहमद है तो अहमद आपको लास्ट नेम ये लास्ट नेम की जगह पे डालना है। तो पीएनआर नंबर मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और जो पैसेंजर का नाम है लास्ट वो लास्ट नेम यहाँ पर मैं डालता हूँ और उसके बाद में दोनों चीज डालने के बाद मैनेज बुकिंग पर क्लिक कर दे रहे हैं। अभी ये अगर डमी टिकट ओरिजिनल होगा तो पैसेंजर की पूरी डिटेल इस वेबसाइट पर आ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आपका किसी भी एयरलाइन का अगर डमी टिकट है तो आप उस एयरलाइन की वेबसाइट पर जाएं और इस तरीके से मैनेज बुकिंग वाले ऑप्शन पर जाएं तो आप पैसेंजर की पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीएनआर नंबर से ये टिकट कंफर्म है 100%। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये दम्माम टू हैदराबाद है, पूरी डिटेल है कि किस तारीख को ये फ्लाइट जाएगी और ये पैसेंजर की पूरी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से अगर आप कहीं से भी डमी टिकट लेते हैं तो एक दफ़ा आप चेक कर लें कि ये टिकट ओरिजिनल है या फेक है। अगर ओरिजिनल होगी तो आपकी पूरी डिटेल इस तरीके से एयरलाइन की वेबसाइट पर शो करेगी। तो इस तरीके से अगर आपकी पूरी डिटेल एयरलाइन की वेबसाइट पर शो कर रही है तो 100% आप मान के चलें कि हमें एयरपोर्ट पे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को इस तरह का अगर डमी टिकट चाहिए कि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो तो हमसे संपर्क करें, मैं इंशाल्लाह आपका डमी टिकट सस्ते रेट में बुक करके दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, शुक्रिया, जजाकल्लाह खैर।